गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो बेटा टुडे अगेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फ्यू क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड ऑन सैटरडे. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. Find the area of an equilateral triangle with the side. Just raise your hand, okay? Don't give me the collective answer. You have to find the area of an equilateral triangle whose side is this. What is the formula of equilateral triangle area? ट्रायंगल के बट अगर साइड साइड ये है तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं पता, उस दिन करवाया. एक लुक जाओ. एरिया निकाल रहे हैं, पेरीमीटर नहीं दिव्यांशी. वो साइड प्लस साइड प्लस साइड तो पेरीमीटर होता है. रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर. हाँ जी, क्या आंसर है? थ्री रूट थ्री. ओके, करवाने लगी हूँ बेटा, करवाऊंगी. Area of equilateral triangle, the first question of your NCERT exercise 12.1. That day also we have discussed ki side given hai, to equilateral triangle ka area kaise nikalna hai. Vaise general, agar triangle right angle triangle ho, matlab jisme hamare paas 90 degree banta hai, chahe aapke paas aisa triangle ho, is triangle ka area kaise nikaloge? Yes, half into base into height. कौन आ गया? हाँ, इधर देखो. आइए वंशिका जी, इस ट्रायंगल के लिए कैसे निकालोगे? अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इधर देखो, इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इनटू, बट ट्रायंगल तो ये है, मुझे तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. ए बी सी, ये 9, ये 4. बताओ. हाँ, बेस को ये लो, ये लो, आ जाओ बेटा. हाँ, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज 4, दिस इज 9, 4, 6, 9, 3. आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. दिव्यांशी विल टेल how to find. मैं बेटा इतनी बार नहीं बोल सकती. हाँ ठीक है, आपकी मर्जी है. ए बी सी का एरिया बता दे कैसे नहीं? अच्छा, पूरा क्यों? क्यों हाइट तो इसके अंदर नहीं है, तो हाइट ये क्यों ले ली? हाइट तो सेम ही होती है. ठीक है, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल देन what will be the base? The base will be the base of that particular triangle which you are taking, that is 9. नहीं, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रही हूँ ना मैं. अगर इसका निकालना होता तो ऑब्वियसली इसका ये बेस लेते. ठीक है ना, अब पूरे का निकालना है तो अगर इसका एरिया निकालना है तो बेस ये लोगे. हाइट, हाइट इज सेम थ्रू आउट. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. We have to find the area of an equilateral triangle. Area of equilateral triangle का formula वंशिका? वंशी आप मेरी तरफ देखी. Equilateral triangle के area का formula बता दो, कोई बोलेगा नहीं, वंशिका बताएगी.
नहीं पता, उस दिन करवाया है, ओवर कॉन्फिडेंस में तुम लोगों के काम खराब हो जाना और अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको होना है, मुझे। कमिंग रेगुलर टू द स्कूल एंड स्टिल नॉट एबल टू गिव द आंसर, वेरी बैड। नितेश आप बताओ, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर रट्टा होना चाहिए ये तो बेटा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, टू रूट थ्री, सो रूट थ्री बाय फोर इंटू टू रूट थ्री, ये टू रूट थ्री के बाहर है, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब टू इज नॉट हियर, यहाँ पर तो ऑलरेडी टू है ही है मतलब। तो क्या करोगे अब आप, ये देखो ये टू है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, टू इंटू टू इंटू टू, टू जा फोर, ये फोर के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, सो द अल्टीमेट आंसर इज थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बेटा इस तरह से भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि यूनिट सेंटीमीटर मीटर में गिवन है, मतलब मान लो यूनिट मीटर में गिवन है, ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हो सकते हैं, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, ऑप्शन मीटर में दिए हो सकते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नो 100 इंटू 100, हाँ 10,000, फिर पॉइंट्स लगाओगे। आप तो कमाल हो नितेश, कौन से किसमें किसमें, होती है तो ये क्या है फिर, रूट 59 हाइट, आंसर क्या है तेरा, मैम 3 रूट, गलत आ रहा है ना, फिर मैं देखती हूँ अगला क्वेश्चन दे दूँ पहले। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखना, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस ऑनलाइन स्टूडेंट हरी अब राइट डाउन, हूज वन साइड इज, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हूज वन साइड 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन वन साइड इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड एंड पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। चलो लेट मी सी, देखो ये देखो ना बेटे, ये क्या है आर एच, मतलब परपेंडिकुलर लगा लो, एक मिनट बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, अब ये तेरा पूरा है तो टू नहीं माइनस नहीं, टू ये हाफ को करता है तो ये आएगा रूट थ्री का स्क्वायर, फोर इंटू थ्री थ्री, हाँ 12 माइनस 3 9 परपेंडिकुलर ये आ गया तुम्हारा 3, बट करना ही क्यों ऐसे, व्हाई टू गो, याद नहीं आ रहा था बट हाँ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले से ही करना है, इस झमेले में नहीं पढ़ना। हाँ लक्ष्य जी आप पीछे बैठे थे तो यहाँ कैसे आ गए, दिख नहीं रहा, क्या आंसर है, यस आपका आंसर आया दिव्यांशी,
Hurry up. Yes, online students, did you get the answer? Yes, Dhiren. I am 1000 root 2. 1000 root 2, wrong है. Dhiren, आपने मैसेज नहीं किया मुझे. मुझे याद नहीं रहा अब आपका नाम पढ़कर याद आया. Yes, ma'am. कल करवाऊंगी वैसे. Okay? कल tomorrow is a holiday. डायरी में मेंशन ना करना. Oh, did you get the answer? Divyanshi, stage free hai, khali hai. And everyone will love your dance. Go. Chalo beta, dekho. I answer. 200 root 5. Look here. The triangle is an isosceles triangle whose one side is 10 centimeter greater than. चलो देखो देखो बेटा दिन का आंसर नहीं आया. एक साइड x, दूसरी साइड x, तीसरी साइड क्या हो गई x plus 10. One side is 10 centimeter greater than each of its equal side. Right? Perimeter is 100. Means sum of all the sides is 100. X plus 3x. 90, x आ गया हमारे पास 30, ये 30, ये 30, ये 40. Now we have to find the area. Now there are two methods. एक Chiron's formula से आप निकाल सकते हो area. Otherwise, this is an isosceles triangle. Isosceles triangle है बेटे. आप मतलब आपको method बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ. आप वैसे भी कर सकते हो Chiron's formula से. Isosceles triangle में जब हम ये draw करते हैं, this is the perpendicular and it always divides the opposite side into two equal parts. और ये angles भी वैसे equal होते हैं, ठीक है? तो मतलब ये 40, ये हो गया आपका 20, ठीक है? Pythagoras theorem से ये orally हो रहा है. 900 is equal to perpendicular square plus 400. 900 minus 400. 500 perpendicular square. So perpendicular is 10 root 5. ये ओके है? Chiron formula से करोगे? चलो ठीक है. वैसे ठीक है आपकी बात. ये छोड़ो. ठीक है जी. So you have found the sides of the triangle and then you can find the area of isosceles triangle का direct formula भी होता है. कल सर्च करके आना. बट एक होता है लेकिन उसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. ए और बी उसमें दो साइड्स होते हैं, फिर देखना पड़ता है कि कौन सी साइड को हम लें. फिर भी शॉर्टकट के लिए एक बार आप देख लेना. जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही साइड होती है, आइसोसेलेस में दो साइड, ए और बी दोनों का मिक्सचर होता है. फिर उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें बी को कौन सा लेना है, इक्वल वाली साइड लेनी है या अनइक्वल वाली, तो देख लेना एक बार. ठीक है, अगला क्वेश्चन. Find the perimeter of isosceles right angle triangle. Find the perimeter of an isosceles right angle triangle. Find the perimeter of an isosceles right angle triangle having an area. Given to kuch hai nahi beta, beta. Kaise? Having area of 5000 meter square. Area 5000 meter square है, आप perimeter निकाल लो. Isosceles right angle triangle. 5000 centimeter square हाँ.
Yes, online students, I hope you have listened to the question. If it is not clear to anyone, you can raise your hand. एक दूसरे की कॉपी मत देखो, खुद ये एरिया की बना बच्चे, एरिया एरिया सोचो सोचो हो जाएगा. नहीं है? हाँ, बेसिन टू हाइट का फॉर्मूला लगा. आइसोसेलेस, मैंने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है. फिर से बेस इनटू हाइट. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और हाइट होता है वो हमेशा इक्वल होता है. इक्वल होता है. हाफ इनटू एक्स इज 5000. वहां से एक्स निकल, एक्स निकल जाएगी, बेस और हाइट आ गया. फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकलेगा. फिर पेरिमीटर के लिए तीनों साइड को क्या करोगे? प्लस. हाँ बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर अगर ऑप्शन भी हो तो आप रूट टू की वैल्यू डाल सकते हो. क्यों? बेस और हाइट इक्वल होता है. बिकॉज इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. एक्स स्क्वायर दूसरी साइड हाइपोटेन्यूज. पाइथागोरस थ्योरम. हाँ हाँ ऐसे ही है. गिर जाना था मैंने. लुक ऑन द बोर्ड एवरीवन. बस आप बेटा टाइम वेस्ट होता है. सी वी हैव. ओके फाइन, लिसन. नाउ वी हैव एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में यू ऑल नो, यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, दैट ऑलवेज द बेस इज इक्वल टू द आइसोसेलेस. मतलब दो साइड्स इक्वल. तो दो साइड्स इक्वल होंगी वो कौन सी होंगी? ये और ये. कभी ये इक्वल नहीं होता. ठीक है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया दैट इज इक्वल टू 5000. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10000. एक्स कितना आ गया? 100. ये 100, ये भी 100. पाइथागोरस थ्योरम से कितना? 100 root 2. Now you know the value of root 2. Root 2 का approximate आप अगर perimeter में option दिया है आपके, अब perimeter क्या होगा? 100. That is आप इसको लिख सकते हो 200. अब ये 300 root 2 नहीं है. This is not 300 root 2. मान लो option में 300 root 2 दिया और आपने वो tick कर दिया तो आपका सारा किया कराया 0. Yes, yes. These are like terms. 200. साइन मुझे पता आपको आता है. It is 1.41 approximately. Point हगा हटेगा नीचे 100. So 200 plus 141 is 200. तो सॉल्व कैसे करते हैं? Along the picture. वैसे तो ना आपको बाद में बता दूंगी बेटे रूट को सॉल्व. जैसे हमें पता है, सुनो मेरी बात है अपनी कान. हमें पता है जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, है ना? तो जैसे इधर मैं बोल रही हूं, ये देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है. जैसे हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये ऑब्वियसली 2 से कम होंगे. ये तो हमें लर्न ही होता है. 1.73, 1.41 इतना होता है ना. मान लो आपके पास है रूट 7. वैसे तो लॉन्ग रीजन इसकी वैल्यू ना चांसेस कम होते हैं कि ऐसा आए कि वैल्यू आप इसकी पुट करो. 2 2 सा 4,
एंड 3 से ज्यादा नहीं होगा बेटे, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, तो ये रूट 7 और रूट जो 8 है वो किसमें लाए करेगा, 2 और 3 के बीच में। इसको आप कुछ भी ले लो, 2.5 है अप्रोक्सीमेट, 2.5 ये देखो 2 2 4 2 2 4 मल्टीप्लाई उसी नंबर से 300, 2 का डबल 4, 5 से करो मल्टीप्लाई बेटा, नॉट प्लस, 4 के साथ वही नंबर लगाओगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 25, 5 का 20, 225, 6 से करेंगे जो भी आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट लो, 2.5 इज अप्रोक्सीमेट टू 2.6, तो इट इज योर विश। आप रूट 7 को तो 2.5 ले सकते हो, रूट 8 को 2.5 ले सकते हो, इन केस आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो। ऐसे थोड़ी एमसीक्यू दिए होंगे कि दो नियर नियर बाय वाली वैल्यूज का आंसर खाते दे देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर नहीं पाओगे, लिखो चलो। हाँ मैं बताती हूँ, हाउ मच एरिया ऑफ ट्राइंगल will increase in percentage, how much area of triangle will increase in percentage if each side of the triangle is doubled? मुश्किल है थोड़ा, chances कम होते हैं ऐसे आए, पर चलो। How much area of triangle will increase in percentage if each side of the triangle is doubled? अगर triangle का side double हो जाए तो area बढ़ेगा कितना percentage? मुझे इसे solve करो। Increase in value over original value multiplied by 100. Question likh sahi. How much area of triangle will increase? Side A lo. A triangle ke side A lo. Normal triangle. बोर्ड पे देखिए प्लीज, स्केलिन ट्रायंगल एबीसी एरिया क्या होगा? S one ले लो, S one minus A, S one minus B, S one minus C, ठीक है? ये formula है, A B C are the sides of the triangle and S is the semi-perigee. S is what? A plus B plus C by 2, तो S one होगा। अगर sides double हो जाती हैं, तो मतलब double मतलब 2A, 2B, 2C, ठीक है? A is 2A, B is 2B, C is, so what is next semi perimeter of the other triangle? Two common, कट जाएगा, ठीक है? ये आया आपके पास A plus B plus C, क्या ये करने की जरूरत ही नहीं है? दूसरा एरिया मान, ये एरिया टू,
बेटा देखो एस वन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक बार सुन लो क्योंकि मैं लोग फाइव लिया क्वेश्चन का, तो भाई उठाना की जरूरत नहीं। ये समझ आ गया ठीक है। एस टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकती हूँ 2s1 is equal to a plus b plus c। ये समझ आई बात के नहीं? Yes ma'am। What is a plus b plus c? s2। So 2s1 is equal to कैसा रूम? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। 2s1 बता रहा हूँ। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा? नहीं, नीचे वाली दोनों से ठीक है। ये a s2 की वैल्यू आई थी a plus b plus c, तो वो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर s2 s2 minus 2a s2 minus 2b s2 minus 2c, what is s2? मैम यही क्वेश्चन का आंसर है जो a2 minus a1 by a1 for a1 4a1 minus 3a1 is what? 4a1 minus a1 is 3a1। टॉप करो a2 क्या है बेटा? 4a1। 4a1 minus a1 over a1 into 100। 4a1 में से a1 minus होएगा 3a1 300% आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ सी यू ऑन वेंसडे, टेक केयर।